हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है हल्दीराम वेजिटेबल बिरयानी रिव्यू पर। तो चलिए देखते हैं कि ये वेजिटेबल बिरयानी जो है इसे हम कैसे बना सकते हैं। ये जो वेजिटेबल बिरयानी है हल्दीराम की, ये डेली यूज़ के लिए नहीं है, सिर्फ ट्रैवल पर्पस के लिए है। जब भी आप ट्रैवल करें तो आप इसे ले जा सकते हैं। और ये लिड मैंने ओपन कर दी है, तो इसमें नैपकिन है, स्पून है, और ये जो पाउच है आप देख रहे हैं इसमें है वेजिटेबल बिरयानी। और इसे बनाना कैसे हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पाउच है इसे ओपन कर लेंगे हम। तो ये पाउच हमने ओपन कर दिया है। अब जिस डब्बे में ये बिरयानी आई थी, आप उस डब्बे में अंदर की साइड नोटिस कीजिएगा कि अंदर एक लाइन बनी हुई है। तो जहाँ पे ये जहाँ तक लाइन बनी हुई है बस वहीं तक हमें इसमें गर्म पानी डालना है, और पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो पानी डाल दिया है गरम गरम। अब हम ये जो बिरयानी है, ड्राई बिरयानी, ये इसमें डाल देंगे और स्पून की मदद से इसको मिक्स कर कर हम इसको ढक देंगे। अभी 3 मिनट हुए हैं, तो हम ये लिड को ओपन करके एक बार इसको फिर से मिक्स करेंगे। बिरयानी को फिर से मिक्स कर रहे हैं ताकि ये ऐसा ना हो कि नीचे से पक जाए और ऊपर से ये पके ना। तो लिड ओपन की है और इसको एक बार हम फिर से मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर से हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और 5 मिनट तक हम वेट करेंगे बिरयानी के अच्छे से बनने का। अब ये बिरयानी रेडी हो चुकी है। एक बार हम डब्बे को अच्छे से शेक कर लेंगे और उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। टोटल जो टाइम लगा इस बिरयानी के बनने में 8 मिनट लगा है। पहले हमने जब गर्म पानी डाला था तो 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था, उसके बाद फिर हमने ढक्कन खोल कर इसको दोबारा से मिक्स किया था, और फिर 5 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगा दिया था। तो टोटल 8 मिनट लगे हैं और ये बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। जब भी आप ट्रैवलिंग पर जाएं तो ये बिरयानी ज़रूर लेकर जाएं।